नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला सेतु पर एसएससी की परीक्षा देकर लौट रही महिला सहित एक युवक को तेज रफ्तार हाइवा ने कुचल डाला। मृतक छात्रा की पहचान नवकच्छा के रंगरा ओपी अंतर्गत साधुबा गाँव निवासी अखिलेश पंडित की 22 वर्षीय पुत्री मधु कुमारी के रूप में हुई है, जबकि मृतक युवक जगतपुर निवासी कैलाश पंडित का पुत्र वर्जेश कुमार बताया जा रहा है। दोनों मृतक ममेरे भाई बहन थे। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक वर्जेश अपनी बहन मधु को बरारी इंडस्ट्रियल एरिया में एसएससी की परीक्षा दिलाकर वापस नवगछिया जा रहा था, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आने से दोनों भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दोनों को कुचलने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि घटना के बाद टीओपी पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से दोनों के शव को मायगंज अस्पताल लाया गया। वहीं मृतिका के बैग को खंगालने के बाद पुलिस को उसके घर का पता मिला और पुलिस ने घटना की जानकारी दोनों के परिजनों को दी। इधर घटना की खबर मिलने पर दोनों के परिजन अस्पताल पहुंचे और शव की शिनाख्त की गई। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतका मधु की 5 वर्ष पूर्व में जगतपुर निवासी गोलू पंडित से शादी हुई थी और उसे 4 साल की बेटी भी है, लेकिन मधु पति से अलग रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी, जबकि उसका भाई मृतक वर्जेश किसी स्टूडियो में फोटोग्राफर की नौकरी करता था। वहीं इस घटना से मृतकों के परिजन काफी आक्रोशित हो गए और जाह्नवी चौक पर चक्का जाम कर ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। घटना 10 बजे हुई है, सूचना 12 बजे मिली है। क्या हुआ, जब पुल पे घटना हुई ना, तो टीओपी वाला अपना सब चीज़ मैनेज कर लिए हैं, जो कि घटना भी हुआ और हम लोग को पता भी नहीं चला। घटना में एक्सीडेंट हुआ, अपलोड डेट कर गया। दो आदमी, हाँ, कहाँ जा रहा? यही भागलपुर से आ रहा था, एग्जाम दे आ रहा था। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंझिया बाईपास पर रविवार की देर रात तेज रफ्तार हाइवा ने जाइलो गाड़ी को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही जाइलो चालक की मौत हो गई। वहीं इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से चालक धर्मेंद्र को तत्काल रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार चालक शराब के नशे में धुत था, जबकि मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस को जाइलो से शराब की बोतलें बरामद हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक धर्मेंद्र के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और बताया कि धर्मेंद्र भाड़ा लेकर बांका से भागलपुर आ रहा था, जबकि हादसे के बाद पुलिस ने उन्हें कॉल कर धर्मेंद्र की सड़क हादसे में मौत होने की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने जाइलो गाड़ी से शराब तस्करी की आशंका जताते हुए कहा कि हादसे के बाद चालक को छोड़कर अन्य सभी लोग मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने हाइवा और जाइलो को जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इधर मृतक धर्मेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री के बांका आते ही सोमवार को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने मुख्यमंत्री को देखते ही हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। वहीं जनता के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने हाथ ऊपर कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इधर सीएम की कड़ी सुरक्षा के कारण आम लोगों का उनसे मिलना तो दूर, बल्कि कई लोग मुख्यमंत्री को देख भी नहीं पाए। हालांकि बांका से सीएम के जाने के बाद आम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री की कड़ी सुरक्षा खेरे के बीच आदिवासी समुदाय के लोगों ने संथाल गीत गाकर उनका स्वागत किया। जिसके बाद सीएम आदिवासी सामुदायिक केंद्र पहुंचे और बेलहर एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को देखा। वहीं मुख्यमंत्री ने बांका मधु प्रदर्शनी काउंटर पर जाकर मधु के विषय में जानकारी ली, जबकि समाधान यात्रा में मधु प्रदर्शनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसके अलावा सीएम बकरी पालन केंद्र पर जाकर जीविका दीदियों से मिले और उत्पादों के साथ कामकाज की जानकारी ली। प्रदर्शनी देखने के बाद मुख्यमंत्री सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। हालांकि सीएम से मिलकर अपनी समस्या एवं बात नहीं कह पाने को लेकर लोगों में मायूसी भी दिखी। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भागलपुर के गोपालपुर पहुंचे, जहां मंत्री संजय झा ने जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक जीएसबी सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोग वैकल्पिक रास्ते के रूप में इस सड़क का प्रयोग करेंगे। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विभागीय पदाधिकारियों को भी आवागमन में सुगमता हो, जिससे कार्य की प्रगति के साथ तमाम तरह की जानकारी सुलभ हो। मंत्री ने कहा कि जाह्नवी चौक
से इस्माइलपुर तक बांध निर्माण हो जाने से तटवर्ती इलाके के लोगों को काफी सहूलियत हुई है और कल तक जो इलाका बाढ़ ग्रस्त था आज उस इलाके में सब्जियों की खेती हो रही है। साथ ही उन्होंने जीएसपी कार्य के लिए मुख्य अभियंता को तत्काल प्राकलन बनाकर भेजने का निर्देश दिया और कहा कि गंगा नदी में गाद के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि फरक्का ब्रास के अधिकांश फाटकों के बंद रहने के कारण गंगा नदी में गाद की समस्या गंभीर बन गई है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर गंभीर नहीं है, जबकि कई बार इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को कहा गया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि गाद के कारण एक बड़ा भूभाग बाढ़ और कटाव की त्रासदी से जूझ रहा है। देखने आए थे यहाँ पर, लास्ट टाइम भी आए थे। एक तो हम लोग जो ये जो जीएसबी और रोड बनना है ये काम कराएंगे, ये जानवी चौक एक अल्टरनेट रूट लास्ट टाइम भी मैं कह के गया था, लेकिन हो जाएगा होपफुली। और यहाँ पर फ्लड में जो भी काम होना है, बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो सारा प्रोटेक्शन हम लोग करेंगे और लास्ट टाइम भी किए, उसका नतीजा लोगों ने देखा पिछली बाढ़ में, उसका भी तो प्रभाव है। इस डिपार्टमेंट के अच्छे बात का जानकारी नहीं मिलता, गड़बड़ हो जाता है वो तुरंत फ्लैश हो जाता है। तो जो मेहनत इंजीनियर लोग करते हैं जमीन पर, सेव करते हैं या काम करते हैं या डिपार्टमेंट काम करता है, तब न जाकर के इतना बड़ा प्रोटेक्शन होता है। और हम लोग लगातार, और आपके माध्यम से कह रहा हूँ, केंद्र सरकार से बोल रहे हैं कि भाई सिल्ट पॉलिसी लाइए गंगा के लिए, गाद का निदान कीजिए गंगा के लिए, फरक्का को लेकर के समस्या है, बिहार झेलता है। देश में अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विश्व भर में कोलाहल मच गया, जिसके बाद देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस विषय को मुद्दा बनाते हुए देशव्यापी आंदोलन कर रही है और केंद्र सरकार से अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग कर रही है। वहीं इसको लेकर भागलपुर मनाली चौक स्थित स्टेट बैंक मुख्य ब्रांच के समीप जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इधर धरने पर बैठे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने बताया कि देश में आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और सैकड़ों युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अपने मित्रों को बढ़ावा देने में लगी है और सरकार के संरक्षण से पूंजीपति सिर्फ अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। परवेज जमाल ने कहा कि हाल की बात करें तो LIC ने करोड़ों रुपये अडानी ग्रुप में निवेश किए हैं और आंकड़ों के अनुसार लगभग 80,000 करोड़ रुपये भारतीय बैंकों ने भी निवेश किए हैं। साथ ही कहा कि अडानी ग्रुप के खातों से घोटाले की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस को आमजनों की चिंता सताने लगी है और सरकार को इस अहम मसले पर गहन चर्चा करनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कहा कि पूंजीपतियों द्वारा मोदी सरकार के मंत्रियों पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, जिसको लेकर सरकार इस पूरे वित्तीय लेन देन का संसदीय पैनल बिठाकर सुप्रीम कोर्ट के अधीन जांच नहीं सौंप रही है, जबकि कांग्रेस इसको लेकर भ्रष्टाचार के विरोध में पुरजोर आंदोलन करेगी। आज का ये धरना पूरे भारत में है कांग्रेस के द्वारा, जो है हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर, उनके निर्देशानुसार पूरे भारत में ये धरना जो है जिला में भी चल रहा है और प्रखंड में भी चल रहा है। आज का मेन मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने दोस्त मोदी जी के दोस्त जो है अडानी जी, उनको आउट ऑफ द वे जाके LIC का जो है से ऋण दिया गया, अनाप शनाप ऋण दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जो है अनाप शनाप ऋण दिया गया, जबकि जब LIC अस्तित्व में आई थी उस समय ये किसानों के पैसे से खड़ी हुई थी, देश के जो है आम आवाम के पैसे से खड़ी हुई थी, तब वो फायदे में जा रही थी, हर तरफ जो है उसका ही जो है चर्चा था, लेकिन आज बदनामी के इस पर चर्चा है चूंकि LIC को 32,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। अब वो तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बीबी थापा है, मैं BMP 1 में जब नौकरी करता हूँ और मैं ये डायबिटीज बीमारी से एक साल से बहुत परेशान था, तो मैंने पेपर्स में देखा, पेपर में सुना रहा डायबिटीज का इलाज होता है, तो हम यहाँ पर आए तो मेरा उससे पहले 300 से ऊपर था, तो यहाँ आकर के डॉक्टर इसे इलाज कराए तो एक हफ्ता के बाद में मेरा BP घट करके 120 में आ गया,
तो अभी बहुत उस समय में हमको बहुत मतलब तकलीफ होता था, महसूस होता था शरीर में, मतलब सुस्तपन चक्कर जैसा लगता था, लेकिन अब ये दवाई खाने के बाद हमको बहुत शरीर में ताकत आ रहा है, मतलब फुर्ती भी आ रहा है, ताकत आ रहा है, कोई बीमारी जैसे नहीं है। तो अभी हमको एकदम बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, इसीलिए हमको ये दवा से हमको मतलब कि बिल्कुल एकदम हमको शरीर में एकदम स्वस्थ महसूस हो रहा है, और बीपी मेरा कंट्रोल, अब मेरा शुगर भी कंट्रोल में है और मेरा बीपी भी एकदम अभी फिलहाल कंट्रोल में है। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के सराय स्थित लाल बाग में सम्राट अशोक जागृति मंच भागलपुर की ओर से वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री सहमरपुर विधायक जयंत कुमार ने किया। इस दौरान मंत्री का स्वागत तिलक लगाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर किया गया, जिसके बाद मंत्री ने दीप प्रज्वलन और फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया गया, जहां मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम उन्हें राष्ट्रभक्ति से प्रेरित करता है, और उपेंद्र कुशवाहा द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर कहा कि जदयू किसी व्यक्ति विशेष के टिप्पणी पर नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ टिप्पणी की है तो इसे जदयू पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। साथ ही कहा कि पार्टी इस पर संज्ञान लेकर उनसे बात करेगी। इसके अलावा मंत्री ने मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा को लेकर कहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार में समाधान यात्रा के तहत घूम रहे हैं और सभी जीविका दीदी, जनप्रतिनिधि और आम लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं, जिससे समस्याओं का समाधान किया जा सके और बिहार जल्द से जल्द विकसित राज्य बने। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर चक्रपाणी, हिमांशु, राजीव कांत मिश्रा समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनका आदत रहा है कि हमेशा कहीं न कहीं, कभी इस दल में कभी उस दल में, वो हमेशा कुछ न कुछ दिनों के बाद वो चले जाते हैं। इसमें उनको अभी कुछ दिन पहले हमारे दल में आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सम्मान बुलाया था, उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बनाया और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया था, लेकिन उनका लगता है कि हमारे दल से मन भर गया है और वो लगता है कि कहीं और किसी के फेर में चले गए। और भागलपुर के जगदीशपुर गोनू धाम में माघी पूर्णिमा के अवसर पर दो दिवसीय दंगल का शुभारंभ किया गया। दंगल प्रतियोगिता में दूर दूर से आए पहलवान ने अपना जौहर दिखाया। इस दौरान दिल्ली, अयोध्या, कोहली, खुटाहा, मोहनपुर, गोसाईदासपुर एवं जगतपुर समेत कई जगहों से आए पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपने दौ से लोगों का मनोरंजन भी किया। सोमवार को हुए दंगल के विजेता मोहनपुर के गौतम पहलवान रहे, जिसने अयोध्या के पहलवान बजरंगी को पटकनी दी। मौके पर समाजसेवी लड्डू यादव, सनहौली पंचायत के मुखिया मोहम्मद मरगूब, सुभाष यादव, जगदीशपुर उत्तरी जिला परिषद सदस्य शिव कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सारे लोग आए हैं, सबके दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं सबका। और यह गोनधाम मेला एक चर्चित मेला, पुराना मेला है, यहाँ बहुत शक्तिशाली गोनधाम मंदिर है, इनके लिए टुटा पुल से होकर के झरझर रोड है, ये विकास ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत ये रोड है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।